दिल्ली की रामलीला में प्रभास ने किया रावण का दहन। दशहरे के मौके पर साउथ एक्टर प्रभास दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम को लवकुश रामलीला कमेटी के द्वारा दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में आयोजित कराया गया। इस दौरान मंच पर अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के एक्टर प्रभास और डायरेक्टर ओम राउत समेत कई लोग मौजूद रहे। रामलीला के मंच पर बाहुबली एक्टर प्रभास ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के साथ भ्रष्टाचार के अलावा 5 अलग अलग पुतलों का दहन किया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों और आतिशबाजी पर बैन होने की वजह से 8 ट्रैक डिजिटल डॉल्बी साउंड सिस्टम द्वारा आतिशबाजी की गई। जलने से पहले रावण के पुतले से जय श्री राम की आवाज निकली और रावण की आंखों से आग निकली। प्रभास जब रामलीला ग्राउंड में पहुंचे तो चारों ओर से बाहुबली बाहुबली के नारे लगने लगे। दर्शकों में एक्टर का क्रेज इस कदर था कि पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की 3 टुकड़ी और रामलीला कमेटी की ओर से 140 बाउंसर भी तैनात किए गए थे। इस दौरान मंच पर मौजूद रामलीला के आयोजकों ने प्रभास को लीला का प्रतीक चिन्ह राम नामी पटका और शक्ति की प्रतीक गदा भेंट की। प्रभास ने राम भक्तों के बीच जय श्री राम के नारों का उद्घोष किया। इस शुभ अवसर पर फिल्म आदि पुरुष का टीजर भी दिखाया गया। हाल ही में इस फिल्म का टीजर अयोध्या में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद दशहरे के मौके पर आदि पुरुष की टीम अपनी फिल्म को प्रमोट करने दिल्ली की रामलीला में पहुंची। आपको बता दें कि ये फिल्म रामायण पर बेस्ड है और अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होगी। इस फिल्म का डायरेक्शन ओम राउत कर रहे हैं। आदि पुरुष तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में शूट की गई है। साथ ही फिल्म को तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया गया है। ऐसे में अब टीजर सामने आने के बाद फैंस इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।